नमस्ते सारे बच्चों, गुड आफ्टरनून एंड आई होप सब बच्चे अच्छे हैं और पढ़ाई भी जोर शोर से चल रही है। सो वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू बी ए डिटेलिंग। एंड कुछ आज डिस्कशन करना है आप सबके साथ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टिव क्वेश्चन आप सबने मांगा था, तो उस सिलेक्टिव क्वेश्चन के बेसिस पे मैं कुछ आपको बताना चाहती हूँ पहले कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको अभी बहुत कम टाइम है प्रिपरेशन के लिए, तो कंसेप्ट को समझो एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप हेडिंग्स को याद रख के लिखना, हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है, क्वेश्चंस को लिखना है और उसके अंदर कंसेप्ट आप जैसे भी लिखो चलेगा, मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नीड एंड इंपॉर्टेंस आए तो वो लिखना है, प्रिंसिपल्स आए तो प्रिंसिपल्स लिखने हैं एंड कंक्लूजन पार्ट कंपलसरी है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कंपलसरी होता है तो 2-2.5 पेज ही लिखना रहता है। ये कुरुक्षेत्र कॉलेज के लिए है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए है और उसके अंडर जितने भी एफिलेटेड कॉलेज के लिए है जो बीएड बच्चे हैं उनके लिए। अब चीज़ होता है जब भी हम लोग क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे तो 6 ईयर्स के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मैं लास्ट 6 ईयर्स के क्वेश्चन के एनालिसिस से आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, उस क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करें। सारे पेपर्स के क्वेश्चंस एट अ टाइम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप प्लीज़ उसे चेक करें और उसी के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, तो उतना करने से आपके लिए बहुत अच्छे मार्क्स लाना हो जाएगा पॉसिबल। ठीक है, बहुत कम बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हो इसलिए पॉसिबल नहीं है सारे बच्चों का मैसेज रिप्लाई करना या कॉल रिसीव करना। सो कॉल नहीं बट मैं आपको ऑनलाइन फेस टू फेस ही अभी बता रही हूँ वर्चुअल क्लासेस के थ्रू, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप अपना डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको रिजॉल्व करने को ट्राई करूँगी बाकी के। सो चलो देख लेते हैं हमारे जो भी और बाकी जनरल पेपर्स हैं उसके सिलेक्टेड 6 ईयर्स के बेसिस पे। सो प्रीवियस 6 ईयर्स के एनालिसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ। ऑलरेडी आप लोगों को 2018 से लेके 2023 के क्वेश्चंस मिल चुके हैं। सो UDS का पेपर एंड आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर का भी सिलेक्शन आपको दे दिया गया है, तो बाकी के जो भी जनरल पेपर्स हैं उसके सिलेक्टिव्स मैं अभी देने जा रही हूँ। सो होपफुली ये आपको बहुत हेल्पफुल हो। कृपया करके आप लोग मेरे क्वेश्चंस को थोड़ा नोट डाउन करके कॉपी में लिख लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करिए। थोड़ा टाइम कम हो रहा है इसलिए कॉपी में लिख के आपको सेंड करना पॉसिबल नहीं हो पाया, सो दैट आपको मैं टिक करके दिखाती हूँ। तो हम लोग ऑलरेडी 801 पेपर कर चुके हैं, तो 802-803 आज चेक कर रहे हैं हम, 804 एंड 806 ये 4 पेपर का मैं सिलेक्टिव दे देती हूँ। एंड उसके साथ कंप्यूटर साइंस का दे दिया है, हिंदी संस्कृत का भी इम्पॉर्टेंट दे दिया है, बाकी के पेडागोजी पोर्शंस के भी शॉर्ट फॉर्म में वीडियोस आ जाएंगे जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके साथ कैसे प्रिपेयर करना है। नोट्स आपके ग्रुप में ही है जो प्रीवियस हमने कॉमन पार्ट किया था एंड कॉमन पार्ट के नोट्स अगेन मैं धीरे धीरे आपको शेयर कर दूँगी कल परसों के अंदर, सो प्लीज़ चेक करते रहो। सो अभी आ जाओ हमारे सेकंड पेपर में। सो हमारा पेपर है 802 कोड एंड ऑलवेज कोड चेक करिए प्रॉपरली, ये प्रॉपर चीज़ होता है। मार्क्स है 100, उसमें से आपको 80 मार्क्स अटेंड करने रहते हैं। सो इस अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को बोल दूँ कि प्रीवियस ईयर शॉर्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आया हुआ था। सो आपके अकॉर्डिंग आप बोलोगे मैम कैसे करना है, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ट्रिक दिया हुआ था कि इक्वलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो है, ये क्वेश्चन को टुगेदर आप लोगों को पढ़ाया हुआ था। दैट मींस अगर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी आता है तो जो आंसर लिखोगे एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी सेम आंसर लिखोगे, तो यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन तो बनता है एंड ये एवरी ईयर आने वाला क्वेश्चन में से एक है। अब मैं आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ, क्यों आप लोगों को कॉपी में लिख के नहीं दिया जाता ये एक रीज़न है, क्योंकि मैं ट्रिक्स वहाँ पे बता नहीं पाती हूँ आप सबको। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लास्ट टाइम शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है, सो शॉर्ट क्वेश्चन में आने से भी फिर रिपीट होने के चांसेस है। लॉन्ग क्वेश्चन में कंपलसरी जो पोर्शन बोला था वो आएगा, उसके साथ एक क्वेश्चन है जैसे कि सोशल डाइवर्सिटीज़ बेस्ड ऑन कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन, ये लास्ट टाइम लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। तो मैं बोल दूँ टोटल पोर्शंस में, ये इतना पोर्शन है ना, इतने पोर्शंस में से ये एक क्वेश्चन तो कंबाइन करके पढ़ रहे हो और मैंने जैसे कंबाइन करके पढ़ाया है वैसे ही करना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना उसी अकॉर्डिंग करना, कम पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन कर लो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन कर लो, सोशल डाइवर्सिटीज़ बेस्ड ऑन कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, ये जो क्वेश्चन है इसे भी लॉन्ग प्रिपेयर करो, लॉन्ग क्या ये शॉर्ट में भी आएगा। राइट टू एजुकेशन एक क्वेश्चन है वो आप कर लेना एज ए
लॉन्ग, एज ए लॉन्ग मतलब ये चार पेज का ही लॉन्ग है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी दोनों में आ सकते हैं। तो ये चार क्वेश्चन आपको यहाँ से प्रिपेयर करने हैं। एंड वुमेन एम्पावरमेंट, यू नो दैट एस सी एस टी डेवलपमेंट, वो आपको पता है, तो थोड़ा थोड़ा करके आपको देख के जाना चाहिए। बट ये चार क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से चार क्वेश्चन में से तीन क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आ जाएंगे, तो टिक करके रख लो एंड उसी के अकॉर्डिंग लिख लेना, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग लिख देना। यूनिट टू के लिए आप क्या प्रिपेयर करेंगे? यूनिट टू के लिए आपका यूनिट टू में है एजुकेशनल कमिटीज़ एंड कमीशन बिफोर इंडिपेंडेंस विद द स्पेशल रेफरेंस टू, तो मैकलेमिनिट है, एडम्स रिपोर्ट है, वुड डिस्पैच एंड बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन मतलब वर्धा स्कीम, नई तालीम का कंसेप्ट है। बेसिक स्कीम मतलब हो गया आपका वर्धा स्कीम, जो महात्मा गांधी जी का कंसेप्ट था उसके साथ ऐड हुआ है, और एक क्वेश्चन नई तालीम का। तो मैंने बेसिक स्कीम, वर्धा स्कीम एंड नई तालीम का कंसेप्ट एट ए टाइम पढ़ाया था आपको कि क्विक कैसे पढ़ा जाता है। आप पूरा वर्धा स्कीम प्रिपेयर कर लेना। नई तालीम का मेन मेन पॉइंट याद रखोगे, जैसे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक शॉर्ट क्वेश्चन में आने के चांसेस रहते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वर्क एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत मिलते हैं, एसक्यूज बहुत मिलते हैं। सो आपको मैं बोल दूँ यहाँ से, आप एटलीस्ट तो आपको तीन प्रिपेयर ही करना पड़ेगा। एडम्स को पूरा शॉर्ट कर लो, एडम्स को पूरा शॉर्ट कर लो, ये तीन कर लो, मैकलेमिनट्स, वुड डिस्पैच एंड बेसिक स्कीम, ये तीन कर लो, हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, यूनिट थ्री के लिए बोल दूँ, यूनिट थ्री में है आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, रिवाइज नेशनल पॉलिसी, POA एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो आपको ट्रिक बोल दूं कि रिवाइज नेशनल पॉलिसी एंड POA दोनों सेम हैं, और इसको लॉन्ग में प्रिपेयर मत करो क्योंकि लिखने का कंसेप्ट आप समझ नहीं पाओगे, एग्जाम में प्रॉब्लम होगा, तो इसको शॉर्ट में प्रिपेयर करना। और NPE 2020 को मैंने आप लोगों को शॉर्टकट में लिखाया था तीन पेजेस में, सो उतना ही प्रिपेयर करो, अगर एग्जाम में भी आया उसी को एलैबोरेट करके लिखोगे, आने के चांसेस हैं, बहुत अच्छे से आ रहा है, बार बार आता है ये क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट टाइम यूनिट थ्री से क्वेश्चन आया था 1986 आया था, एंड सेकेंडरी एजुकेशन भी आ चुका है, तो इस बार के चांसेस इंडियन एजुकेशन कमीशन भी है और नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन भी है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है। तो एक काम करते हैं हम, क्या बोलूँ, सेकेंडरी एजुकेशन पॉलिसी एक्चुअली आ चुका है और थोड़ा सा मतलब इंडियन एजुकेशन कमीशन से इजी है, तो हमारे चांसेस पे ज़्यादा आ रहा है इंडियन एजुकेशन कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एंड NPE 2020। तो ये तीन क्वेश्चन को लॉन्ग में प्रिपेयर करो, बाकी दो को शॉर्ट में कर लेना, देख लेना। शॉर्ट में मतलब 2.5 पेज के लिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। यूनिट फोर के लिए देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो यूनिट फोर में कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन इंडिया एंड एजुकेशन है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, DPEP, MDM, SSA, RMSA, IETSS, तो इसको लेके एक क्वेश्चन है आपका, क्या ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, ऐसा आ सकता है स्कीम्स के बारे में लिखो, राइट अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए अगर स्कीम्स लिखा जाए तो वो होता है आपका RMSA एंड IETSS, ठीक है, समझ के लिखना, सारे स्कीम नहीं लिखने के आया है, तो ऐसे आ सकता है। अगर डिजेबल बच्चों के लिए है तब भी RMSA एंड IETSS ही होगा, ये दोनों आता है, तो दो दो टॉपिक मिला के स्कीम्स आ सकते हैं, शॉर्टकट्स आ सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बोल दूँ इस बार के लिए SSA RMSA MDM, चलो ये तीनों को अच्छे से प्रिपेयर करो, बाकी दो को थोड़ा सा देख के जाना। आप लोगों को मैंने ये तीन क्वेश्चन एट ए टाइम पढ़ाने का ट्राई किया था, पढ़ाया भी था, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, वोकेशनलाइजेशन कैसे लिखा जाता है ये ट्रिक भी दिया था, वीडियोस भी अपलोडेड है, चेक कर लेना कि वोकेशनलाइजेशन को आप ऐड कर सकते हो ग्लोबलाइजेशन में एंड मॉडर्नाइजेशन में, एंड एक बार मॉडर्नाइजेशन पढ़ लो तो मॉडर्नाइजेशन के वर्ड को चेंज करके ग्लोबलाइज करके आप ग्लोबलाइजेशन का भी आंसर लिख सकते हो, ताकि कोई भी आए क्वेश्चन तो लिख सकते हैं। तो मेन क्वेश्चन है वोकेशनलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, बट लास्ट ईयर आ चुका है, फिर भी रिपीट होने के चांसेस हैं, तो इसको आप शॉर्ट में प्रिपेयर करके ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन प्रिपेयर करो, जो कि एक ही प्रिपेयर करने से दोनों क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करना, रोड सेफ्टी रेयर शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है, तो शॉर्ट में ये सबको प्रिपेयर करो। बाकी जो बोला आपको मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, MDM, SSA RMSA, ये सबको आप थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करो, बाकी सबको थोड़ा कम, ठीक है। ये आपका कंटेम्प्रेरी पेपर का हो गया, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पेपर 803 के लिए आ जाते हैं।
तो 803 में है आपका फर्स्ट यूनिट में अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग। यहाँ पे पता है आपके पास कितने क्वेश्चंस हैं? इस यहाँ पे बस फर्स्ट यूनिट में दो ही क्वेश्चन है, कन्फर्मली आता है। एक है लर्निंग का कंसेप्ट, नेचर टाइप्स लर्निंग एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, और उसके साथ सेकंड क्वेश्चन है इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस इतना ही कंसेप्ट है। जो बच्चे थिंक कर रहे हो कि मैम क्या करना है क्या करना है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस लास्ट ईयर शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है, तो इस बार उसको लॉन्ग में प्रिपेयर करने का टाइम आया हुआ है, तो इसको प्रिपेयर करो। ये रोल ऑफ टीचर नहीं चाहिए हमें, और इसको प्रिपेयर कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाना चाहिए, स्ट्रैटेजी शॉर्ट क्वेश्चन में मिल जाएंगे आपको, ठीक है? स्ट्रैटेजी शॉर्ट क्वेश्चन में मिल जाए। लिखना कैसे है ऑलरेडी मैंने आप लोगों को डिस्कस करते हुए बताया है बहुत बार। इंट्रो मीनिंग डेफिनेशन कंसेप्ट पूरा देना है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फैक्टर्स भी लिखने हैं, फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना, कंक्लूजन देना। इंडिविजुअल डिफरेंस में भी सेम करना है। लर्निंग स्ट्रैटेजीज आए तो वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में भी मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा आने के चांसेस हैं। आप लोगों को ट्रिक भी दिया था कि कोऑपरेटिव लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग बस पढ़ लो, फिर कोऑपरेटिव लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग को मिला के लिखवाया था कि पीयर ट्यूटरिंग आए तो वर्ड चेंज करना, बस पीयर ट्यूटरिंग लिखना। ग्रुप लर्निंग आए तो ग्रुप लर्निंग वर्ड चेंज करना, बाकी आंसर सेम रहेगा। यूनिट टू के लिए यहाँ पे बस आपके पास टोटल है 1, 2, 3, 4 फोर थ्योरीज हैं, फोर नहीं फाइव थ्योरीज हैं। फाइव थ्योरीज में से आप पियाजेट का कंसेप्ट जैसे किए थे चाइल्डहुड ग्रोइंग अप में, जैसे कंपलसरी आने के चांसेस रहते हैं ना, वैसे ही आपका आने का चांसेस रहता है थॉर्नडाइक पेवलॉव, ठीक है? तो मेरे अकॉर्डिंग मैं बोल दूँ कि थॉर्नडाइक का आ चुका है, तो पेवलॉव का इस बार आने के चांसेस ज़्यादा हैं, पेवलॉव एंड बंदूरा बाइगोट्स्की। सो आप फिर भी मैं बोलूँ कि थॉर्नडाइक का कंसेप्ट पढ़ के जाना, शॉर्ट में आने के चांसेस हैं। पेवलॉव, वाइगोट्स्की, बंदूरा, वाइगोट्स्की, बंदूरा, वाइगोट्स्की, बंदूरा, ये करो। स्किनर का क्वेश्चन शॉर्ट में प्रिपेयर करो, एंड अगर हो पाया तो थॉर्नडाइक का क्वेश्चन शॉर्ट में प्रिपेयर करो, ठीक है? चार पेज में प्रिपेयर करके रखोगे तो इफ लॉन्ग क्वेश्चन बाय चांस भी आ जाता है, तो हम रेडी रहेंगे लिखने के लिए, राइट? यूनिट थ्री के लिए बोल दूँ, यहाँ पे यूनिट थ्री में आपका फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो करना ही है लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर। और वहाँ पे जो वाइगोट्स्की का पढ़ा है यही सेम है, तो सेम याद करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक क्वेश्चन मैं बोल दूँ, वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन कर लेना अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन में। और इधर से बोल दूँ, ब्रूनर रसुवेल में कौन से आने के चांसेस हैं, कौन से आने के चांसेस हैं? सो ब्रूनर एंड ऑसुवेल्स के अंदर ज़्यादा मुझे जितना लग रहा है ऑसुवेल इस बार कर लो, ठीक है? और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन कर लो, बाकी शॉर्ट में कर लेना। चलो फिर यूनिट फोर में आ जाओ। मॉडल्स ऑफ टीचिंग है, फेजेस ऑफ टीचिंग है, ऑब्वियस है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसको कर लेना है। एंड मॉडल्स ऑफ टीचिंग लास्ट टाइम आ चुका है, जो ब्रूनर का कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल आ चुका है, तो इस बार ग्लासेस प्रिपेयर करो ज़्यादा। मॉडल्स ऑफ टीचिंग में ग्लासेस प्रिपेयर करो, बाकी सब शॉर्ट में कर लो। शॉर्ट में करने से ही बेनिफिटेड रहोगे, सारे शॉर्ट में करना है। सो ये आपका हो गया सेकंड पेपर, मतलब थर्ड पेपर है इसका। एंड लैंग्वेज का, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का भी हम देख लेते हैं। कोर्स कोड है 804 एंड उसमें भी देख लो। इसमें दो ही यूनिट है, 40 मार्क अटेंड करना है, 10 मार्क इंटरनल है। टाइम है आपका 1.5 घंटे, और याद रखो 4A और 4B एट ए टाइम होगा, एक ही दिन में एग्ज़ाम होंगे, और उस बेसिस पे आपके यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, वो देखो। तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया था इस पेपर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ 8 ही करने हैं, 8 में से आपको मिल जाएंगे 4, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग भी बोल दो, फर्स्ट यूनिट से कंसेप्ट मीनिंग नेचर ऑफ लैंग्वेज लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल एट ए टाइम प्रिपेयर करना, एक ही क्वेश्चन के नाते, ताकि जो भी आए तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, तो एक यहाँ पर प्रिपेयर करना है अच्छे से। और मल्टीलिंगुअलिज्म आता है, रेयर है बट आता ही है क्वेश्चन में, सो फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं थोड़ा कि लैंग्वेज में मल्टीलिंगुअलिज्म कैसे आया था। ओके, तो लास्ट टाइम आया था रिलेशनशिप बिटवीन द लैंग्वेज एंड सोसाइटी, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको, ज़्यादा फोकस करना है मल्टीलिंगुअलिज्म पे एंड डाइवर्सिटी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन क्लासरूम। फंक्शन भी थोड़ा सा करोगे लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन क्लासरूम, ठीक है? मतलब फंक्शन पे एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन क्लासरूम ज़्यादा आप करो। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में करने हैं, और बाकी सारे शॉर्ट है, देख के जाओ। LSRW तो 4 स्किल हैं, LSRW बोला भी गया है कि यहाँ पे पढ़ोगे तो इंग्लिश पेडागोजी में भी यूज़ होगा। एंड ऐसा बात है कि लास्ट टाइम
चारों के चारों क्वेश्चन यूनिट टू में आए थे, वो हर बार ही आते हैं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग फिर भी मैं बोल दूँ, एक क्वेश्चन आपको लगे कि कभी घुमा के दे दे, तो उस बेसिस पे याद रखो कि अगर एलएस में बहुत कंफर्टेबल हो तो एलएस को पूरा क्लियर करो एंड आरडब्ल्यू को शॉर्ट में प्रिपेयर करो, अदरवाइज एलएसआर को प्रिपेयर करो, डब्ल्यू को शॉर्ट में प्रिपेयर करो, ठीक है। तीन को जैसे लॉन्ग में कर लो, एक को शॉर्ट, मतलब इस यूनिट से, इस पेपर से बस 6 questions आपको पढ़ने हैं, बाकी 2-3 हैं जो शॉर्ट के लिए रहेगा। अंडरस्टैंडिंग का मैंने अपलोड कर दिया था, चेक कर लेना। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का चेक कर लो, 806, वही 40 marks का अटेंड करना है, 10 marks इंटरनल है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे पहला ही पार्ट में 2 long questions हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, पेट्रियार्क, मास्कुलिनिटी, फेमिनिज्म, इशूज ऑफ मास्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कहाँ पे, नीचे, मतलब थ्योरीज वाला पोर्शन आ गया। मैंने पहले भी आपको बोला था ये थ्योरीज वाला पोर्शन आपको हेल्पफुल रहेगा यूनिट टू के फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। यूनिट टू का फर्स्ट क्वेश्चन एंड ये थ्योरीज पोर्शन सेम है, सो यूनिट टू के लिए तो प्रिपेयर करना ही पड़ता, तो उसके लिए एक ही बार कर लो चलेगा। मैंने आपको इक्विटी इक्वालिटी का कंसेप्ट पढ़ाया है, उसको पढ़ने के बाद यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है, ओनली 1 question है यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट में, 3 में बस एक ही क्वेश्चन है, इक्विटी इक्वालिटी, और उसके साथ सारे थ्योरीज को थोड़ा थोड़ा देना है, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी, ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सोशलाइजेशन पढ़े हो, सोशल कंस्ट्रक्शन मतलब सोसाइटी कैसे चेंज करता है चाइल्डहुड और एडोलेसेंस को अफेक्ट करता है, जैसे आपने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर के लिए भी दिया था, सेम ही आंसर है। और एक है सोशलाइजेशन, भी सेम आंसर है। तो एक काम कर सकते हो कि यूनिट 1 में जो 2 parts है उसमें से बोल दूँ कि आप प्रिपेयर कर लेना दिस पोर्शन पूरा, क्योंकि ये तो आपको सेकंड यूनिट के लिए प्रिपेयर करना ही है, एक लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लो पूरा मिला के, यहाँ पे 2 long questions है तो पूरा ही करना पड़ेगा। और एक सोशलाइजेशन वाला पार्ट कर लो, ठीक है, एंड सोशल कंस्ट्रक्शन जो पार्ट मेंशन है ना, सोशल कंस्ट्रक्शन, तो उसमें चेक करना कि सोशल कंस्ट्रक्शन रेयर पड़ता है, अगर शॉर्ट में पड़ता है तो अटेंड करना, लॉन्ग में नहीं करना, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फर्स्ट यूनिट से 2 questions प्रिपेयर करने हैं और थ्योरीज आपके सेकंड यूनिट के लिए प्रिपेयर करना है फर्स्ट पार्ट के लिए। यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग शॉर्ट सब है, मतलब यहाँ पे टोटल आपको 3 questions अब तक के लिए प्रिपेयर करना है। जेंडर इनइक्वालिटीज एंड स्ट्रेटजीज फॉर चेंज, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इसलिए बोला ना, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, 6-7 questions है वो एग्जाम में सब आ जाएंगे, तो इसलिए सारा पढ़ना पड़ता है इस पेपर के लिए। एंड लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथी भी है, तो इसको भी करना पड़ेगा, आइदर और में आ सकता है, पर घुमा फिरा के आएगा। तो 4 ही long questions दे रही हूँ, ज़्यादा नहीं, 4 long questions, ऊपर के 2 करने हैं, यहाँ पे 2 करने हैं, 4 long questions करने हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन के बेसिस पे सोशल कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन एंड थ्योरीज का थोड़ा बहुत देखना है, ठीक है। इतना है, आपके सारे जनरल पेपर्स के आज सिलेक्टिव दे दिया गया है, प्रॉपरली पढ़ाई करो और उसी के बेसिस पे पढ़ो, एक एक दिन में रिवाइज कर सकते हो, इतना टाइम तो ज़रूर है, और उसके बाद जो भी पेडागोजीज का और बाकी है वो भी 1-2 दिन में सब कुछ अपलोड हो जाएगा, सो चेक करते रहना। अगर कुछ बेनिफिशियल हो रहा है प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट कर दो, और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड कोई भी अगर और बच्चे नीट करते हैं उनको भी शेयर कर देना। नोट्स ऑलरेडी हैं, प्लेलिस्ट चेक करके पढ़ाई करो। अगर नोट्स नहीं मिल रहे यहाँ पे और टाइम नहीं हो रहा मुझे शेयर करने में, तो एक दूसरे का हेल्प लो। प्लस एग्ज़ाम टिप्स दे दूँगी, एग्ज़ाम से पहले 1 तारीख तक एग्ज़ाम टिप्स वाला भी वीडियो अपलोड हो जाएगा आपके पास। और उससे पहले आपको ये बोल दूँ कि बीएड डिटेलिंग एक चैनल है टेलीग्राम में, अगर वहाँ पे मैं नोट्स दे रही हूँ एंड आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, तो उधर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, बीएड डिटेलिंग बाय नंदिनी प्रदर्शनी दास, सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे। होपफुली ये हेल्पफुल हुआ हो, थैंक यू सो मच एंड राधे राधे।